हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसलिंग वर्ल्ड। गाइस, कल का मंडे नाइट रॉ तो आप लोगों ने देखा ही होगा, जहां हमें मैच देखने मिला था रोमन रेस और सेथ रॉलिंस वर्सेस जिंदर महल एंड अलायस के बीच। उस मैच में अलायस और जिंदर महल की जीत होती है और रोमन रेस और सेथ रॉलिंस को हार का सामना करना पड़ता है। और फिर हमें रोमन रेस और जिंदर महल का बैक स्टेज इंटरव्यू देखने को मिला और इस इंटरव्यू की वजह से हमें इन दोनों सुपरस्टार के बीच ब्रॉल देखने को मिलती है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, आखिर क्या कहा रोमन रेस और जिंदर महल ने इस इंटरव्यू में जिसके वजह से हमें इन दोनों सुपरस्टार के बीच ब्रॉल देखने को मिली। तो चलिए देखते हैं। इंटरव्यू की शुरुआत होती है जिंदर महल की तरफ से। जिंदर महल बोलते हैं रोमन रेस बहुत ही मतलबी इंसान है और बोलते हैं आज तक रोमन रेस ने कोई भी अपॉर्चुनिटी अर्न नहीं की है, उन्हें सब WWE वालों ने दिया है। और जिंदर महल बोलते हैं जब मुझे मनी इन द बैंक के लैडर मैच में जाने के लिए अपॉर्चुनिटी मिली तब रोमन रेस ने मुझे स्पेयर दे दिया था वॉल में, जिसके वजह से वो अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से चली गई। और बोलते अब रोमन रेस को मेरे रास्ते से हट जाना चाहिए क्योंकि अब मैं हूँ मंडे नाइट रॉ का मॉडर्न डे महाराजा। और फिर रिप्लाई करते रोमन रेस जिंदर महल को और बोलते जिंदर महल को तुम भूल गए मैंने यहाँ पे क्या क्या किया है, क्यों ना तुम मेरी हिस्ट्री जाके चेक करो और देखो मैंने यहाँ पे क्या क्या किया है। और बोलते बात रही जिंदर महल की तो उसने आज तक यहाँ मंडे नाइट रॉ में कुछ भी नहीं किया है। फिर जिंदर महल रोमन रेस की ये बातें सुनकर भड़क जाते और बोलते अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो ये मेरे सामने आके बोलो। फिर रोमन रेस जिंदर महल को बोलते तुम अपना मुंह बंद रखो और बोलते तुम चाहते हो ये बातें मैं तुम्हारे सामने आके बोलूं, तो ठीक है मुझे पता है तुम इसी बिल्डिंग में हो इसलिए मैं आ रहा हूं तुम्हारा मुंह बंद करने। फिर रोमन रेस चले जाते हैं जिंदर महल को ढूंढने। जब रोमन रेस को जिंदर महल मिल जाते हैं तब सुनील सिंह की मदद से जिंदर महल अटैक करने की कोशिश करते हैं रोमन रेस पर उसका कोई फायदा नहीं होता है। और फिर हमें ब्रॉल देखने को मिलता है रोमन रेस और जिंदर महल के बीच, पर हमें ब्रॉल ज़्यादा देर देखने को नहीं मिलता है क्योंकि WWE ऑफिशियल्स आकर सिचुएशन को कंट्रोल कर लेते हैं। और हमें इस ब्रॉल में रोमन रेस ही भाड़ी पड़ते हुए दिखे थे जिंदर महल पर। सो गाइज, यही सब बातें हुई थी रोमन रेस और जिंदर महल के बीच उस इंटरव्यू में, जिसके वजह से हमें ये ब्रॉल देखने को मिला। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। इसका फायदा ये होगा मैं कभी कोई वीडियो डालूंगा तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो।